फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने नंबर पैटर्न देखा था। आज हम सीखेंगे पैटर्न के साथ पिरामिड कैसे करना है कोडिंग के थ्रू। एग्जांपल, अगर हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का है, अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था, कोई भी पैटर्न के लिए हम क्या सोचते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और वो क्या डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे दो तरह का डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि दो तरह का तो नहीं है, एक ही डिस्प्ले है जो स्टार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले जो स्पेस है वो भी डिस्प्ले माना जाएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं तो हमारा कर्सर हमेशा फर्स्ट कॉलम पे होता है। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले स्पेसेस डिस्प्ले कर रहे हैं और उसके बाद हमारा स्टार डिस्प्ले हो रहा है। अब इस बात को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ अलग तरह से सोचते हैं। जैसे कि ये स्पेस के जगह पे हम लिख लेते एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स हमारा स्पेस है। तो फर्स्ट रो में तीन स्पेसेस है और एक स्टार है, सेकेंड रो में दो स्पेसेस है और दो स्टार है, थर्ड रो में एक स्पेस है और तीन स्टार है, फोर्थ रो में जीरो स्पेस है और चार स्टार है। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नंबर पैटर्न के लिए समझा था, आउटर लूप रो रिप्रेजेंट करता है और इनर लूप कॉलम्स डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे दो टाइप के डिस्प्ले है, एक है स्पेस और दूसरा है स्टार। इसका मतलब हर रो के लिए हमारे पास दो डिस्प्ले है, इसलिए आउटर लूप जो आर से लिखा है उसके अंदर हमारे दो इनर लूप होंगे। पहला इनर लूप डिस्प्ले करेगा स्पेसेस को और दूसरा इनर लूप डिस्प्ले करेगा स्टार्स। अब पैटर्न के लिए हमें क्या देखना होगा कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रोज है 4। अब ये देखना होगा कि फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स डिस्प्ले हैं। तो फर्स्ट रो में स्पेसेस के लिए 3 और स्टार के लिए 1 कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों भी कॉलम्स वेरिएबल है, तो यहाँ पे कॉलम्स डिस्प्ले के लिए हम दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। ये V1 और V2 इनर लूप के कंडीशन में आएंगे। देखना है कि ये कॉलम्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज। तो स्पेसेस के लिए कॉलम्स डिक्रीज हो रहे हैं और स्टार्स के लिए कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट लाइन के बाद V1 को हम डिक्रीज करेंगे और V2 को इंक्रीज।